हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट इंग्लिश पेडागोजी का, जो टॉपिक है लर्निंग एंड एक्विजिशन। इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो के अंदर आपने ये वीडियो अगर कंप्लीट देख लिया तो आपको कभी भी लर्निंग और एक्विजिशन को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ये प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, आपको इजी वे में आपको ये समझा दूंगा कि एक्विजिशन का असली अर्थ क्या होता है और लर्निंग का असली अर्थ क्या होता है। मैंने डिटेल से इसको समझाया है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और चलते हैं। सबसे पहले लर्निंग हमें किस चीज़ की करनी है और एक्विजिशन हमें किस चीज़ का करना है, मैं आपको बता देता हूँ। लर्निंग जो होती है वो क्या होती है और एक्विजिशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। लर्निंग का हिंदी अर्थ होता है सीखना, और एक्विजिशन का हिंदी अर्थ होता है ग्रहण करना या अर्जन करना। अब इन शब्दों को मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा, आप प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग न्यू स्किल और नॉलेज एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल। यानी लर्निंग वो होती है जो हमारी स्किल, जो हम नई नई चीज़ें सीखते हैं उससे हमारा ज्ञान और जो हमारी जो वर्तमान जो अवस्था है, वर्तमान जो हमारे ज्ञान का लेवल है वो इम्प्रूव हो, वो और अच्छा हो, उसको लर्निंग कहते हैं। ठीक है, लर्निंग किसको कहते हैं? लर्निंग जो हम ग्रहण करते हैं या सीखते हैं अपनी जो वर्तमान स्थिति है उसको सुधारने के लिए, उसको लर्निंग कहते हैं। अब एक्विजिशन का अर्थ क्या होता है? एक्विजिशन का अर्थ होता है व्हेन लैंग्वेजेस आर लर्न्ड, कि हम जब भाषा सीखते हैं विदाउट एनी प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन। कि जब एक्विजिशन का अर्थ होता है अर्जन करना, ग्रहण करना। जब हम कोई भी भाषा सीखते हैं, कोई भी भाषा हो, जब हम उसको सीखते हैं, जब हम कोई भी भाषा को सीखते हैं तो हमें किसी प्रकार की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती। प्रैक्टिस करने की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है एक्विजिशन में, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है किस में? लर्निंग में। लेकिन एक्विजिशन में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक अपने आप आती है। मैं आपको इसको डिटेल से समझाऊंगा कि एक्विजिशन का अर्थ क्या होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये देखिए, लर्निंग और एक्विजिशन में डिफरेंस क्या होता है आपको सब पता चल जाएगा। आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा लर्निंग क्या होती है और एक्विजिशन क्या होता है। लर्निंग होता है सीखना, और एक्विजिशन होता है अर्जन करना। सबसे पहले आपको लर्निंग के बारे में मैं बताता हूँ। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग होती है हम जब स्कूल में जाते हैं, लर्निंग के लिए हमें कोई एक फिक्स एरिया, फिक्स स्थान या स्कूल, कोचिंग संस्थान, इस प्रकार के या पूरा सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमारे सिलेबस क्या होगा, उसके टॉपिक क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, जो हमें उसको सीखते हैं एक प्लानिंग के साथ, किसी चीज़ को सीखने को लर्निंग कहते हैं। और एक्विजिशन किसे कहते हैं? एक्विजिशन कहते हैं जब बिना किसी चीज़ के, हम घर पे भी सीख सकते हैं, रास्ते में भी सीख सकते हैं, किसी अनजान आदमी से भी सीख सकते हैं, उसको कहते हैं एक्विजिशन। किसी चीज़ को देख के भी सीख सकते हैं, उसको कहते हैं एक्विजिशन। इस लर्निंग के लिए हमें स्कूल की ज़रूरत होती है, टीचर की ज़रूरत होती है, सिखाने वाले की ज़रूरत होती है, हमें स्पेशल टाइम देना पड़ता है, उस चीज़ को हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके हम जैसे क्लास में बैठे होते हैं, फोकस करना होता है लर्निंग के लिए। हम कोई सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक सीखते हैं तो लर्न करने के लिए हमें फोकस होना पड़ता है, हमें स्किल होना पड़ता है कि हमें पहली क्लास में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमें ये सिखाया जाएगा, फिफ्थ स्टैंडर्ड में ये सिखाया जाएगा, टेंथ स्टैंडर्ड में हमें ये सिखाया जाएगा, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें ये सिखाया जाएगा। तो उस सब के लिए एक स्किल की ज़रूरत होती है, कौशल का ज़रूरत होता है लर्निंग के लिए। ये हमें डायरेक्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं सिखा सकते, जैसे हमें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी लेवल का नहीं सिखा सकते, पहले हमें उसके लिए स्किल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमें ग्रामर, लर्निंग में आता है ग्रामर, कॉन्शियस होकर सीखना पड़ता है, हमें कॉन्शियस होना पड़ता है, बिल्कुल फोकस होना पड़ता है, तब हम लर्निंग सीखते हैं। लर्निंग करने के लिए हमें एकदम फोकस होना पड़ता है, उस चीज़ के लिए हमें पूरा सेटअप चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, स्किल चाहिए, ग्रामर चाहिए, हमें कॉन्शियस होना पड़ता है।
जबकि एक्विजिशन में ऐसा कुछ नहीं है। एक्विजिशन में हम कहीं पे भी कुछ भी सीख सकते हैं। ऑटोमेटिकली जो भी हम ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं अर्जन करना। इसको इसको जो बोलते हैं नेचुरली आता है, ऑटोमेटिकली आता है। एक्विजिशन हम ग्रहण करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से आता है, ऑटोमेटिक हम सीख सकते हैं। कभी भी हम इसके प्रति सीरियस नहीं होते, ना हम फोकस होते हैं, ना हमें इसकी ग्रामर की जरूरत पड़ती है। एक्विजिशन में हम अपने घर में भी सीख सकते हैं। जैसे हम भाषा को, भाषा के तरह तरह के लेवल को सीखते हैं कि मम्मी से किस तरीके से बात करनी है, पापा से किस तरीके से बात करनी है, ये सब हम एक्विजिशन के अंदर हम सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एक्विजिशन और लर्निंग का अर्थ समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आपको और डिटेल से नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।